अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्यारी सी और भक्तों वाली सुबह का आगाज हो गया है और माशाल्लाह से धुंध भी बहुत ज्यादा है। धुंध नहीं बल्कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है। धुंध आज नहीं पड़ी, कक्कर पड़ा है, सूखी सूखी ठंड है। तो अभी मैं चलती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ और फिर नमाज पढ़ते हैं। सुबह सुबह ये हमने मवेशी भी निकाल लिया अंदर से, रात को हम अंदर इनको बांधते, सर्दी भी इनको ज्यादा लगती, अभी भी सर्दी। फातिमा भाग के जा रही है और चीजा पीछे से आ रही, मुंह हाथ। आज तो इतने ठंडे पानी से वजू किया है क्योंकि लाइट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नमाज तो पढ़नी है। और फातिमा जो ना अभी वॉशरूम से होकर जा रही, भागी जा रही, मैंने उसका रुक जाओ, लेकिन रुकी नहीं वो। मैं भी चलती हूँ, नमाज पढ़ती जी। तो अभी टाइम आ गया है, अंदर देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही है। सुबह सुबह आग जला के बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आग बाली है, हुण कोई नाश्ते नुश्ते दा करने आ। ते साथ च अब्बू जी, अब्बू हरी बैठे हैं, आग सेक रहे हैं सवेरे सवेरे, ठंड है। चलो मैम याद सेक लूं। तो जी अभी मैंने नमाज पढ़ ली है और अम्मी जी साथ में आग जला रही है, तब तक मैं ये बिस्तर समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सफाई करूंगी और अम्मी जी नाश्ता बनाएंगी। ये फातिमा भी सुबह सुबह ही उठ जाती है, जब मौलवी साहब अजान देते हैं ना, उसी उस टाइम उठ जाती है और अम्मी को भी उठा लेती। चलो जी उठे फातिमा, नींद नहीं आती आपको? फातिमा आपकी आंटी कहती है फातिमा को कपड़े पहनाया करो गरम, फातिमा खुद नहीं पहनती, ये देखो मैं कह रही हूँ। तो जी अभी अम्मी अंदर नाश्ता बना रही है, मैं साथ में ये बाहर सफाई कर लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से हमारा घर भी काफी बड़ा है, मुझे काफी टाइम लग जाता है। और इधर जब धूप निकलती है तो सबने बैठना होता है, तो सबसे सबके आने से पहले पहले मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी टाइम आ गया जी हमारी भैंस का दूध निकालने का। ये अब्बू ने कट्टा छोड़ा हुआ है और अभी दूध निकालना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, अब्बू से आसानी से नहीं निकाला जाएगा, तो मैं निकालूंगा। तो जी अभी भाई दूध निकाल रहे हैं, अब्बू से आसानी से नहीं निकाला जाता, भाई आसानी से निकाल लेते हैं। सुबह सवेरे जानवरों को अंदर से निकाल कर हम इनको पहले चारा डालते हैं, उसके बाद जब ये चारा आधा खा लेती हैं फिर हम दूध निकालते हैं। अभी अबू जी सफाई कर रहे हैं, तो एक हमारी सिस्टर है वो पूछ रही थी कि आपके अबू जी क्या काम करते हैं, तो हमारे अबू जी यही काम करते हैं, घर में भैंसों को चारा डाल दिया, उनकी सफाई वगैरह कर ली, तो यही हमारा काम है जी। बहुत ही जबरदस्त, किस किस ने इस तरह का दूध पिया हुआ है, मैं तो पी रहा हूँ। ये देखें इस तरह, ये किस किस ने पिया हुआ कमेंट करके बताना। तो जी अभी हमने दूध निकाल लिया, ये ले मुझे चाय बना। इधर आग जल रही है जी, आग पे अभी हाथ सेक रहा हूँ, पहले दूध निकाला है। अभी माशाल्लाह हमारी बन रही है चाय, ये पानी रखा ऊपर, फिर इसके इसमें डालेंगे दूध, चाय बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर नाश्ता बनेगा हमारा। फातिमा, फातिमा अपनी रोटी बना रही है, अम्मी ने अभी आटा बनाया है तो फातिमा ने आटा ले लिया, अभी रोटी बना रही है। फातिमा रोटी बना रही हो, किसको दोगी? हाँ जी, केनू, ये है रहमान हमारा बड़ी आपी का बेटा, और ये ताया अबू बैठे हुए। खतीजा अभी सुबह सुबह बड़े ही काम कर रही है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर की सफाई हो गई है। आप पीछे से देखें कितना प्यारा लग रहा है, मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी सफाई कर देती हूँ क्योंकि फिर सुबह सबने बैठना होता है, मुझे कोई करने नहीं देता, कोई उठता नहीं है। तो अब चलती हूँ आग पर, मैं तो बहुत ही ठर गई हूँ, बहुत सर्दी लग रही है, तो आग चल के सेकते हैं। तो जी अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे पर और...
तो जी अभी मैं आ गई हूँ, हाथ बहुत ठंडे हो गए और मैं सेक रही हूँ और अम्मी जी रोटियां बना रही है। तेन मैं ख्या जो ना सफाई कर अलीपाड़ा है तो तू कर ना सफाई कर लग पाई जिसे धुप चढ़े आ उसे सफाई कर लगी है। नहीं कोई नहीं गल, फिर सारे बह जाने सफाई तो करन नहीं देंदे, रोटी खा लेनी है गरम गरम तो सही हो जासा। अच्छा चलो ठीक है। माशाल्लाह हमारी पहली रोटी बन गई है जी। ये किसकी रोटी है? ये बच्चों ने दसा, बच्चों को छोटों को फातिमा को मिलेगी जी रोटी जी। पहली वाली बच्चों ने दसा। माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज धूप बहुत प्यारी निकल आई है, क्योंकि धुंध नहीं आज तो। धूप पे खतीजा ने सफाई वगैरह करके इधर चारपाइयाँ वगैरह रख दिए, फिर खाना वगैरह खा के नाश्ता करके हम इधर आके बैठेंगे जी। माशाल्लाह बाहर तो काफ़ी सारी धूप निकल आई, अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर काम। अभी मैं रोटी खा रही हूँ, सब ने खा ली है, मुझे सबसे एंड पर रोटी मिली है। खाती भी वैसे ऐसा ऐसा खाना खाती है, तो अभी जो खाना रह गया ना ये देश की, मैं देश की साफ करनी है। देश की साफ कर रही है खाने के साथ, फिर इसके साथ वो धोएगी भी, फिर भी साफ करेगी, दोनों तरीके से साफ करेगी। इसके लिए बर्तन पड़े हुए सारे खा पी के उठ गए, ये देखें जी इसने फिर बर्तन वगैरह सारे। आज तो लाइट भी नहीं, इतना ठंडा पानी है, मुझे लगता है चूल्हे पे गरम कर लूंगी पहले फिर बर्तन धोऊंगी, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा है, कक्कर पड़ता है रात को, मुझसे नहीं ऐसे धोए जाते। तो जी अभी माशाल्लाह से ये सारे बर्तन लाकर मैंने इधर रख दिए, क्योंकि लाइट नहीं है, पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है टैंकी वाला, तो मैंने कहा कि इधर ऊपर रख देती हूँ, इधर कोई चीज इसको खराब भी नहीं करेगी। तब तक मैं इधर की सफाई कर लेती हूँ। पहले मैंने उधर सारे घर की सफाई कर ली है जिधर हम बैठते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा खुला सेन रहता है, इधर वाला भी, ये माल वाली साइड, तो इधर की अब मैं कर लेती हूँ। तब तक हो सकता है कि लाइट भी आ जाए और फिर मैं बर्तन धो लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सारे घर की सफाई मैंने मुकम्मल तरीके से कर ली है। सुबह सुबह मैं उधर वाली साइड की जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ, जिधर हमने बैठना होता है कमरों शमरों की सारों की, तो इधर की मैं नहीं करती क्योंकि इधर जानवर बांधे होते हैं सुबह सुबह, फिर भैंस का दूध निकालते हैं, और फिर जब धूप निकल आती है, माशाल्लाह से अब धूप देखे निकल आई है, फिर जानवरों को बाहर बांधना होता है धूप में, तो फिर जानवर चलते फिरते हैं तो गंद दोबारा से बन जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ जब बाहर एक ही दफा में बांध लेंगे फिर मैं इधर की सफाई करूंगी। और अभी माशाल्लाह से सफाई वाला काम तो हो गया खत्म, और कितना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह से। तो जी अभी सिर्फ मेरे दो काम रहते हैं, वो ये कि एक तो ये बर्तन धोने हैं, उसके बाद एक कमरे की सफाई भी रहती है, बिस्तर समेटने हैं उसमें से, क्योंकि पहले सुबह सुबह उधर आपी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी आपी आई हुई है, तो अब माशाल्लाह से धूप निकल आई, वो बाहर बैठ गए हैं, तो मैं उधर चल के पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझसे नहीं धो जाते। तो अम्मी जी ने कहा था पानी गर्म कर लेना, लेकिन पानी गर्म करूं भी तो फिर भी माशाल्लाह से हमारे बर्तन इतने ज़्यादा हैं पूरा नहीं आएगा। मैं कहती हूँ खुला पानी हो जिसमें बंदा आसानी से और अच्छी तरीके से बर्तन धो ले। और अब अम्मी जी भी नहीं है, सारे काम आज मुझे करने पड़ रहे हैं, वो इसलिए कि अम्मी जी आज चली गई हैं टूवल पर कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो भाई उनको लेकर गए। तो फातिमा अभी धूप में बैठी हुई है, मैं चलती हूँ पहले कमरे की सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोंगे। तो जी अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, देखें जी आपकी ने बिस्तर तो समेट कर रख दिए एक साइड पर कपड़ा डालकर, लेकिन चार पाइयों के जो कपड़े हैं ना खराब हैं, इधर के उधर हुए हैं और इधर के उधर, क्योंकि बच्चे थे फातिमा और मेरी बड़ी आपी का बेटा, उन्होंने खेल खेल के पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। अभी मैं ये सारा खिलाड़ा जो ना समेटती हूँ और फिर इधर की सफाई करेंगे। वैसे कमरे में इतना ज़्यादा गंद तो नहीं है, फिर भी दोबारा से कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जी कमरे की सफाई होगी कंप्लीट, और अभी चलते हैं फातिमा के पास, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं क्योंकि लाइट जो है ना अभी तक नहीं आई।
तो जी मैं तो इंतजार कर करके थक गई थी, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। बिला आखिर मैंने ठंडे पानी से बर्तन धो लिए और हाथ मेरे ऐसे सुन्न हो गए। ये देखें जी, सारे बर्तन मैंने समेट कर रख लिए। अभी इसके ऊपर ये कपड़ा दे देते हैं। सारे बर्तन हम इधर ही रख देते हैं और जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ढाँप कर रखते हैं। इधर बिल्कुल महफूज रहती हैं, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाती। तो ये कपड़ा डाल देते हैं ऊपर। और अभी माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी प्यारी धूप निकल आई है। मुझे काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया, अभी तकरीबन हो गया 10-11 बजे का टाइम। गर्मियों में दिन भी बड़े होते हैं, बंदा काम भी जल्दी समेट लेता है, और सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं और काम भी जल्दी नहीं होते सर्दी की वजह से। तो जी माशाल्लाह से अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया। आज हमने बहुत सारे काम किए, मैंने भी नहाया, फातिमा ने भी नहाया, अम्मी जी ने कपड़े धोए हैं। तो अभी जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमारी प्यारी सी और अच्छी सी सिस्टर है, वो कह रही है कि आपसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं। खतीजा प्लीज जरूर बताइएगा। जी सिस्टर, हम भी अल्लाह पाक के आम से बंदे हैं, तो ये आप सबका प्यार है जो हमें इतना हम पर यकीन करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें दुआ के लिए कहते हैं। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। हमारा यकीन है कि अल्लाह पाक दुआएं कभी रद्द नहीं करते, दुआ जरूर कबूल होती है। इसीलिए आप हमारे हक में दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ किया करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले जो हमारी सिस्टर हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, वो कह रही है दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरे शौहर को मेरी बेटी की नसीब की रोजी दे, आमीन सुमामीन। तो उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, ना फातिमा ऐसा ना करो, वो एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है फलस्तीन वालों के लिए भी दुआ करो और मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। जी जी, अल्लाह पाक फलस्तीन वालों को आज़ादी दे, अल्लाह पाक उन पर अपना रहम और करम फरमाए और उनको गैबी मदद भी फरमाए, आमीन सुमामीन। अल्लाह पाक हमारे सिस्टर को भी सेहत दे, अल्लाह पाक हमारे सिस्टर को भी सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही है फातिमा से दुआ करवाना, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मुझे अपना घर भी दे और औलाद भी दे, अल्लाह पाक उनको अपना घर भी दे और प्यारा सा बेटा भी दे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर है, उनका नाम है लाइबा, वो कह रही है प्लीज ना फातिमा, वो कह रही है प्लीज मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और उनको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमामीन। तो उसके बाद एक और हमारे सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करो, मेरा कल टेस्ट है जॉब का, अल्लाह पाक हमारी बहन को कामयाबी दे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारे भाई हैं, उनकी आईडी का नाम है इजाज खोकर, वो कह रहे हैं आपने मेरे लिए दुआ नहीं की, तो आज भाई आपके लिए भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारी प्यारी सी और अच्छी सी सिस्टर है, उनका नाम है मारिया उमर, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे सेहत भी दे और औलाद भी दे, आमीन सुमामीन। तो अभी माशाल्लाह से शाम की अजानें भी हो रही हैं, तो आप सबसे अजानों के बाद मिलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूल अल्लाह। तो फातिमा आप भी कलमा पढ़ो, इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हाँ जी, तो जी इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, उनकी आईडी का नाम है सैयद अनकवी, वो कह रही हैं आपने मेरे लिए दुआ नहीं की, सिस्टर आज इस वीडियो में आपके लिए भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। तो उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं जी, उनका नाम है सितारा बहावल, वो कह रही हैं कि मुझे बच्चा होने वाला है, आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझ पर खैर करे और खैरियत से हो जाए, अल्लाह पाक हमारी बहन को खुश रखे और सेहत वाली औलाद दे, आमीन सुमामीन। और जो हमारी सिस्टर है मारिया उमर, वो ये भी पूछ रही हैं कि फातिमा के साथ कल वाली वीडियो में ग्रीन दुपट्टे वाली कौन थी। तो सिस्टर वो मेरी आती है, वो हमारे घर आई हुई है, तो वो वीडियो में नहीं आती, तो वैसे आई हुई हमारे घर में। तो एक हमारी सिस्टर है, वो ये भी कह रही थी कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर।
वो कह रही है कि आप अपनी आवाज में हमें नात सुनाइए, तो अभी हम सबके लिए इकट्ठा दुआ कर ले सिस्टर, उसके बाद आपको नात हम सुनाएंगे। चलो फातिमा सबके नाम हो गए, और आज हम सबके नाम भी नहीं ले सके, वो इसलिए कि अम्मी जी आज काम चली गई है छोटे भाई के साथ शहर, वो अभी तक नहीं आए, बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, मैंने अभी काम भी करने। आप सब नाराज ना हो, इसीलिए हमने कुछ बहन भाइयों के कमेंट लिख लिए, और जो कुछ के रह गए तो आप इस वीडियो में दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह कल उनके भी नाम शामिल किए जाएंगे। चलो फातिमा ऐसे करो, दुआ करें पहले। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता, और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना, और हर बे औलाद को औलादे नरीना देना, आमीन सुम आमीन। तो फातिमा आमीन बोलो, ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और अभी हम अपनी प्यारी सी सिस्टर को नात सुनाते हैं। फातिमा आपने सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है, मैं नात पढ़ रही हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कूल में भी नात शरीफ पढ़ती थी, जो भी स्पीच होती थी, कोई भी मतलब होता था ना हमारे स्कूल में फंक्शन वगैरह, तो उसमें मैं जरूर पार्टिसिपेट करती थी। तो अभी सिस्टर आपको मैं सुना देती हूँ, तो ये मैं नाच सुनाने लगी हूँ। हाँ, कौन सी सुनाऊ फातिमा, आप बता दो। अच्छा चलो, अपनी मर्जी से मैं सुना देती हूँ। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी नात है जो शुरू होती है जी। मैं भी मदीने जावा, मेरा जी करदा, दिल दी गल सुनावा, मेरा जी करदा। मैं भी मदीने जावा, मेरा जी करदा, दिल दी गल सुनावा, मेरा जी करदा। बन के कबूतर उड़ जावा, मेरा जी करदा। मैं भी मदीने जावा, मेरा जी करदा। हो गया है प्यार अक तेरे नाल, अखियां नू कर बैठी मन ठार, अक तेरे नाल अखियां नू। हो गया है तेरे नाल अखियां नू कर बैठी मन ठार, अक तेरे नाल अखियां नू। दिल दी गल सुनावा, मेरा जी करदा, मैं भी मदीने जावा, मेरा जी करदा। बन के कबूतर उड़ जावा, मेरा जी करदा। चलो फातिमा आपने सुभान अल्लाह नहीं बोला है, ना ऐसा नहीं करते, सुभान अल्लाह बोलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो सिस्टर आज टाइम थोड़ा है, इसीलिए मैं आपको पूरी नात नहीं सुना सकी, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको पूरी नात सुनाऊंगी। आपको मेरी नात शरीफ कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक की, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी ना फातिमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक लिए इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो फातिमा अल्लाह हाफिज।